हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शेक हैंड विद लाइफ। मैं नरेंद्र शर्मा, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एफएमईए के बारे में। एफएमईए है क्या, किस तरह से एफएमईए इवॉल्व हुआ है, कॉज फेलियर मोड और इफेक्ट के बीच में किस तरह से रिलेशन बनता है, किस तरह से फेलियर मोड जो है कॉज को इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। टाइप्स ऑफ एफएमईए, एफएमईए के कौन कौन से टाइप्स हैं, स्टेजेस ऑफ एफएमईए, कितनी स्टेजेस हैं एफएमईए डॉक्यूमेंटेशन की, और एफएमईए डॉक्यूमेंट किस तरीके का होता है, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। फिर उसके बाद बात करेंगे रैंकिंग ऑफ सीवियरिटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ फेलियर, कि जो फेलियर के बाद जो इफेक्ट की जो सीवियरिटी होती है वो कितना घातक हो सकता है, उसको किस तरह से रैंक करेंगे, रैंकिंग ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर, फेलियर की जो हैपनिंग चांसेस हैं उसको किस तरह से रैंक करेंगे, और फेलियर को डिटेक्शन कंट्रोल जो है हमारे पास उनको किस तरह से रैंक करेंगे, वो भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर एक वर्किंग एग्जाम्पल भी है, और एनालाइजिंग आरपीएन, रिस्क प्रायोरिटी नंबर की वैल्यू को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं जब हमारे पास एक जैसे आरपीएन नंबर हो, तो उनको किस तरह से एनालाइज करेंगे, किस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे हम उनको। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो लेक्चर जो कि एफएमईए के बारे में है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और एफएमईए के बारे में कंप्लीट नॉलेज आप गेन कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर से। तो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएमईए है क्या। तो एफएमईए स्टैंड्स फॉर फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। एफएमईए फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। एफएमईए एनालाइजेस द पोटेंशियल फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस दैट अफेक्ट्स द फंक्शन पार्शियली और कंप्लीटली। किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस के अंदर जो पोटेंशियल फेलियर हो सकते हैं उनको एनालाइज करता है एफएमईए, चाहे वो फेलियर पार्शियली हो प्रोडक्ट या प्रोसेस के अंदर, या फिर उसको कंप्लीटली फेल कर दें उसकी परफॉर्मेंस को, उसको परफॉर्म करने में। इट इवेल्युएट्स द सीवियरिटी ऑफ द इफेक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फेलियर, चांसेस ऑफ ऑकरेंस, करंट कंट्रोल्स अवेलेबल टू डिटेक्ट और प्रिवेंट द फेलियर। एफएमईए इवेल्युएट करता है इफेक्ट की सीवियरिटी को, कि इफेक्ट जो है वो कितना घातक है, उसको इवेल्युएट करता है फेलियर हो जाने के बाद। चांसेस ऑफ ऑकरेंसेस, जो फेलियर जो है उसके ऑकरेंसेस के कितने चांसेस हो सकते हैं किसी प्रोसेस में या किसी प्रोडक्ट में, और करंट कंट्रोल हमारे पास क्या है उसको डिटेक्ट करने के लिए फेलियर को, इन सारी बातों को एफएमईए इवेल्युएट करता है। डिटेक्शन किस लिए, ताकि हम उस फेलियर को प्रिवेंट कर सकें। इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक, ए पेपर टेस्ट दैट कंबाइंस द टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। एफएमईए एक पेपर टेस्ट है जो कि टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियर्स हैं या जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनके एक्सपीरियंस को मिला करके तैयार होता है। एफएमईए आइडेंटिफाइज फोर्सिबल फेलियर मोड्स ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोसेस एंड प्लानिंग फॉर इट्स एलिमिनेशन एंड डॉक्यूमेंट्स द होल प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस। क्या है एफएमईए, एफएमईए जो है फ्यूचर में जो फेलियर मोड्स हैपन हो सकते हैं प्रोडक्ट या प्रोसेस के अंदर उनके बारे में प्लानिंग भी है, उनकी प्लानिंग भी करता है ताकि उनको एलिमिनेट कर सके, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस, जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पूरे प्रोसेस का, उस प्लानिंग का एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी तैयार करता है उस रिस्क एनालिसिस का। तो ये तो बात हुई कि एफएमईए है क्या। अब बात करते हैं एफएमईए किस तरह से इवॉल्व हुआ। एफएमईए इंट्रोड्यूस्ड इन लेट 1940s फॉर मिलिट्री यूजेस बाय यूएस आर्म्ड फोर्सेस। यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने 1940s जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तब रिस्क एनालिसिस के दौरान यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने इसका यूज किया जाने लगा रिस्क एनालिसिस के लिए। लेटर यूज फॉर एरोस्पेस और रॉकेट डेवलपमेंट टू अवॉइड एरर्स ड्यू टू स्मॉल सैंपल साइजेस ऑफ कॉस्टली रॉकेट टेक्नोलॉजी। बाद में इसे एरोस्पेस इंडस्ट्री में या रॉकेट डेवलपमेंट में, ताकि
जो बहुत कॉस्ट लगती है रॉकेट डेवलपमेंट में, उस कॉस्ट को बचाया जा सके, एरर्स को कम किया जा सके. ऑल्सो यूज एज एप्लीकेशन फॉर फूड सेफ्टी फॉर द अपोलो स्पेस प्रोग्राम एंड लेटर इन द फूड इंडस्ट्री इन द जनरल. बाद में ये फूड इंडस्ट्री अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फूड सेफ्टी के लिए भी इसका यूज किया गया और बाद में इसे फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाने लगा रिस्क एनालिसिस के लिए. प्राइमरी पुश केम इन 1960 व्हाइल डेवलपिंग द मींस टू पुट ए मैन ऑन द मून एंड रिटर्न हिम सेफली टू अर्थ. जो सबसे पहला ऑफिशियल या प्राइमरी पुश जो कहेंगे एफएमईए का सबसे बड़ा जो यूज था वो 1960 में हुआ, जब मैन मिशन को मून के ऊपर मैन मिशन को लॉन्च किया गया. तो मैन से जुड़े हुए जो सेफ्टी मेजर्स थे उनको कंसीडर करके इसका यूज किया गया ताकि मैन को मून पे लैंड करवाया जा सके और सेफली उसे अर्थ पर रिटर्न करवाया जा सके. 1970 में फोर्ड मोटर कंपनी ने इसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया सेफ्टी और रेगुलेटरी कंसीडरेशन की वजह से. फोर्ड ऑल्सो यूज एफएमईए टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड डिजाइन, और फोर्ड ने इसे प्रोडक्शन और डिजाइन में भी इसको यूज किया इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन और डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये तो इवोल्यूशन की बात थी एफएमईए की, किस तरह से एफएमईए इवॉल्व हुआ. अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एफएमईए को लेकर के, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के फेलियर मोड जो कॉज और इफेक्ट के बीच में किस तरह से रिलेशन डेवलप करता है. तो ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तभी आप एफएमईए को ठीक से अपने प्रोडक्ट डिजाइन एफएमईए और प्रोसेस एफएमईए को आप ठीक से यूज कर पाएंगे अपने प्रोसेस में कहीं भी किसी भी तरीके के इंडस्ट्री में. यहां एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस बात को समझाना चाहूंगा कि किस तरह से फेलियर मोड जो है कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन डेवलप करता है. तो हम एक इफेक्ट लेते हैं, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त को कॉल लगाते हैं लेकिन कॉल जो है कनेक्ट नहीं हो पाती, या आपको रिस्पांस आता है कि नॉट रीचेबल का रिस्पांस आता है, या आपकी कॉल जो है रिपीटेडली लॉस्ट हो जा रही है. तो ये इफेक्ट है कॉल जब आप कॉल लगाते हैं तो एक इफेक्ट आ रहा है फेलियर का. तो ये फेलियर का इफेक्ट है. अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ और इसके कॉज क्या हो सकते हैं? तो फेलियर मोड क्या है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है वहां पर, और नेटवर्क की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम जो है वहां से जो फेलियर प्रोड्यूस हो रहा है उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं. या तो जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड हो, वो पुअर हो, वो एक कॉज हो गया, या हो सकता है कि नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो, ये भी कॉज हो गया, और कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है. तो इस तरह से इन कॉजेस को नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो फेलियर मोड से ट्रांसफॉर्म करता है एक इफेक्ट के रूप में. सो कॉज जो है ट्रांसफॉर्म हुआ एक इफेक्ट के रूप में थ्रू द फेलियर मोड. तो फेलियर मोड एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कॉज जो है इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. सो ये रिलेशनशिप आपको समझना बेहद जरूरी है एफएमईए के इम्प्लीमेंटेशन से पहले कि फेलियर मोड किस तरह से कॉज को इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है. आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफएमईए के. एफएमईए के कितने टाइप्स हैं? एफएमईए दो टाइप्स का होता है. एक है डिजाइन एफएमईए. डिजाइन एफएमईए एड्स इन द डिजाइन प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग नोन एंड फोर्सिबल फेलियर मोड्स एंड देन रैंकिंग फेलियर्स अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्ट. डिजाइन एफएमईए डिजाइन प्रोसेस में हेल्प करता है किस तरह से आइडेंटिफाई करके कि फ्यूचर में कौन से फेलियर आ सकते हैं प्रोडक्ट डिजाइन को लेकर के, और उनको फिर रैंक करता है उनके इंपैक्ट के अकॉर्डिंग, फेलियर्स के जो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, फेलियर जो इंपैक्ट है उन सीवियरिटी ऑफ द इंपैक्ट, जो फेलियर हो जाने के बाद जो इफेक्ट का कितना गहरा इंपैक्ट आ सकता है उसके बेसिस पर प्रोडक्ट के अंदर उन फेलियर्स को रैंक करता है. इसलिए डिजाइन एफएमईए किस बात पर फोकस करता है? रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ द फेलियर मोड ऑन द प्रोडक्ट. इसलिए रिलेटिव इंपैक्ट क्या होंगे प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर रिलेटिव इंपैक्ट क्या होंगे उनके ऊपर फोकस करता है. बेसिकली जो फेलियर मोड के रिलेटिव इंपैक्ट क्या होंगे प्रोडक्ट के ऊपर, इस बात के ऊपर फोकस करता है डिजाइन एफएमईए. अब बात करते हैं प्रोसेस एफएमईए की. प्रोसेस एफएमईए आइडेंटिफाइज पोटेंशियल फेलियर मोड्स
by ranking failures and helping to establish priorities according to the relative impact on the internal or external customers. Process FMEA, process के अंदर जो failure modes हैं, उन failures को, उन जो process failure modes, potential process failure modes by ranking failures and helping to establish priorities according to the relative impact on the internal or external customers. प्रोसेस के अंदर जो पोटेंशियल फेलियर मोड्स हैं, उनके क्या रिलेटिव इंपैक्ट होंगे, किनके ऊपर, इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर्स के ऊपर. इसलिए प्रोसेस एफएमईए किस बात के ऊपर फोकस करता है, रिलेटिव इंपैक्ट के ऊपर, किसके रिलेटिव इंपैक्ट के ऊपर, फेलियर मोड, प्रोसेस फेलियर मोड्स के, पोटेंशियल प्रोसेस फेलियर मोड्स के रिलेटिव इंपैक्ट के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर्स के ऊपर. तो दो डिफरेंस, दोनों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ, डिजाइन एफएमईए के अंदर, डिजाइन एफएमईए जो है रिलेटिव इंपैक्ट को स्टडी करता है, फेलियर्स के रिलेटिव इंपैक्ट को स्टडी करता है, किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर. और प्रोसेस एफएमईए जो प्रोसेस फेलियर्स हैं, उनके रिलेटिव इंपैक्ट को स्टडी करता है, किसके ऊपर, इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर्स के ऊपर. तो ये तो डिफरेंस है प्रोसेस एफएमईए और डिजाइन एफएमईए के बीच में. दो टाइप के एफएमईए बेसिकली, यही दो टाइप के एफएमईए होते हैं. उसके अलावा आपको सिस्टम एफएमईए भी मिल जाएंगे, जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं. ये डाउनवर्ड आप अलग अलग इन द स्टडी ऑफ एफएमईए, जब आप डीप स्टडी करेंगे एफएमईए की, तो अलग अलग आप टाइप के आपको एफएमईए इन्हीं से जुड़े हुए मिल सकते हैं. अब बात करते हैं स्टेजेस कौन सी हैं एफएमईए की. एफएमईए की चार स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज है स्पेसिफाइंग द पॉसिबिलिटीज. स्पेसिफाइंग द पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या है, सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं. एक तो आप जो भी फंक्शन है, प्रोडक्ट का जो फंक्शन है या प्रोसेस का जो फंक्शन है, उन फंक्शंस को स्टडी करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कौन से पॉसिबल फेलियर मोड्स हो सकते हैं प्रोसेस या प्रोडक्ट से जुड़े हुए. क्या उनके पॉसिबल रूट कॉजेज हो सकते हैं, क्या उसके इंपैक्ट हो सकते हैं, किस तरह के इंपैक्ट हो सकते हैं, और हमारे पास प्रोसेस या प्रोडक्ट के जो फेलियर मोड्स हैं उनको डिटेक्शन के लिए या फेलियर मोड हैपन ना हो उनको प्रिवेंशन के लिए किस तरह के कंट्रोल्स अवेलेबल हैं या किस तरह कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं. ये सारी पॉसिबिलिटीज, यहां पे बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की. दूसरा है क्वांटिफाइंग रिस्क. जो सेकंड स्टेज है उसमें हम रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं. जब हम रिस्क को क्वांटिफाई करने की बात करते हैं तो इसमें आता है कि इफेक्ट की आप सीवियरिटी को कैलकुलेट करेंगे, रैंक करेंगे. दूसरी बात है अकरेंस ऑफ फेलियर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज फेलियर जो है उसकी हैपनिंग होने के चांसेस कितने हैं उसको आप कैलकुलेट करेंगे. तीसरी बात है डिटेक्शन, हमारे पास कंट्रोल जो हैं जो कॉज को प्रिवेंट कर सके वो कितने इफेक्टिव कंट्रोल हैं, मतलब वो कितना डिटेक्ट कर सकते हैं फेलियर को, तो डिटेक्शन की रैंकिंग करेंगे. और फिर इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर को कैलकुलेट करेंगे, आरपीएन नंबर. तीसरी स्टेज आती है हमारे पास करेक्टिंग हाई रिस्क कॉजेस. जो हाई रिस्क कॉजेस हैं उनको करेक्ट करना, तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइजिंग वर्क, कि किसे हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना, किस काम को हमें सबसे पहले करना है, कौन सा ज्यादा सीवियर है, किसका आरपीएन नंबर हाई है, इस बात के ऊपर. फिर एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर असाइनिंग एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक प्वाइंट्स ऑन कंप्लीशन, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो कौन से चेक प्वाइंट हमें रखने हैं वो एक लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं. तो ये करेक्टिंग हाई रिस्क कॉजेस में तीसरी स्टेज है. एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है हमारी री इवेल्युएशन ऑफ रिस्क. जब हम करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन ले चुके होते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा आरपीएन नंबर कैलकुलेट करना है, जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है, हमने कितना रिस्क कम किया है. ये चार स्टेजेस हैं एफएमईए के अंदर. अब एफएमईए डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं. मैं इसे थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं. ये एफएमईए फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस का डॉक्यूमेंट है. सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है वो प्रोडक्ट या प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट है, या तो हम प्रोडक्ट या प्रोसेस, जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखेंगे, वो प्रोडक्ट क्या है या प्रोसेस कौन सा है और उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट, किस तरह का फंक्शन है उसका, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसमें लिखेंगे. पोटेंशियल फेलियर मोड कौन कौन से हैं, कौन से पोटेंशियल फेलियर मोड प्रोडक्ट या प्रोसेस से जुड़े हुए हो सकते हैं. थर्ड कॉलम में पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ दैट फेलियर, वो फेलियर की वजह से किस तरह के पोटेंशियल इफेक्ट्स आ सकते हैं. फिर सीवियरिटी,
कि उसकी उसकी सीवियरिटी कितनी है, कितनी हाई है, उसको एक न्यूमेरिकल नंबर देंगे उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर किस क्लास में है वो फेलियर, उस क्लास में प्रोडक्ट या वो किस क्लास का प्रोडक्ट है या किस क्लास का या फेलियर है उसकी एक क्लास हम रखेंगे। फिर बात करते हैं पोटेंशियल कॉजेज मैकेनिज्म ऑफ फेलियर, उसके पोटेंशियल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं या मैकेनिज्म ऑफ फेलियर क्या है, कौन कौन से कॉजेज हैं, किन कॉजेज की वजह से वो फेलियर जनरेट हो रहा है, और सो पोटेंशियल कॉजेज उसकी ऑकरेंसेस हैपनिंग होने के चांसेस कितने हैं, उस कॉज के हैपनिंग होने के चांसेस, तो उनको काउंट करेंगे, उसके लिए उसके एक न्यूमरल रखेंगे, उसकी उसकी भी कैलकुलेशन का एक तरीका है। सो सीवियरिटी रैंकिंग रहेंगे, और सीवियरिटी में आगे आगे की स्लाइड में बताऊंगा आपको, इसी तरह से सीवियरिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द चांसेस ऑफ फेलियर उसके लिए भी अलग से एक टेबल है। फिर करंट कंट्रोल टू डिटेक्ट और टू प्रिवेंट द फेलियर, सो डिटेक्शन नंबर भी है यहां पर, फिर आरपीएन नंबर जो सीवियरिटी ऑकरेंस और डिटेक्शन को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा आरपीएन नंबर। फिर उसके बाद हम इसमें लिखेंगे रिकमेंडेड एक्शन कि इनको आरपीएन नंबर को कम करने के लिए या ये कॉजेस को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या कौन सी एक्शंस को रिकमेंड कर सकते हैं टीम, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीम बना करके किस किस को टीम को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी, टीम मेंबर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, और कब तक ये जो वर्क है जो असाइनमेंट है कंप्लीट होगा। फिर एक्शंस टेकन, एक्चुअल में एक्शंस लेते हैं, और उसके बाद दोबारा सीवियरिटी ऑकरेंस डिटेक्शन और आरपीएन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा एफएमईए डॉक्यूमेंट, तो इस तरह से हम एफएमईए डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं रैंकिंग की, देखिए जो इफेक्ट है वो कितना घातक होगा, कितना सीवियर हो सकता है, उसकी सीवियरिटी को चेक करने का हमारे पास एक तरीका है। सो ये एक टेबल है, क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग द सीवियरिटी, फेलियर्स ऑकर्स विदाउट वार्निंग, फेलियर अगर बिना किसी वार्निंग के ऑकर होगी तो ऐसे में डेडली इफेक्ट आएगा, तो इसकी रैंकिंग होगी 10 हाई। फेलियर ऑकर्स विद वार्निंग, अगर किसी वार्निंग सिग्नल के साथ फेलियर हैपन हो रहा है तो हजार्डियस हो सकता है, यहां वहां लिखा हुआ है कहीं पे साइन बोर्ड लगा रखा है कि यहां पर इसे छूने से नुकसान हो सकता है, इस तरह के कोई साइन बोर्ड लगा रखे हैं या डेंजर साइन लगा सकते हैं, फिर भी उसके फेलियर ऑकर होता है तो हजार्डियस हो सकता है, इसके लिए रैंक करेंगे 9। प्रोडक्ट इनऑपरेबल हो जाए विद लॉस ऑफ फंक्शन, ऐसे केसेस में वेरी सीरियस इफेक्ट होगा, इसको रैंक करेंगे 8। प्रोडक्ट ऑपरेबल रहे बट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस रहे, प्रोडक्ट ऑपरेबल है लेकिन परफॉर्मेंस उसकी लॉस्ट हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में रैंकिंग करेंगे 7। प्रोडक्ट ऑपरेबल बट विद लॉस ऑफ कंफर्ट, सो ये मॉडरेट इफेक्ट है, इसको 6। प्रोडक्ट ऑपरेबल विद लो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत लो इफेक्ट आ रहा हो, प्रोडक्ट ऑपरेबल है लेकिन परफॉर्मेंस इफेक्ट जो है वो बहुत लो है, तो ये इफेक्ट लो रहेगा, 5 रैंक करेंगे। नोटिसेबल इफेक्ट बाय मोस्ट कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स से बहुत नोटिसेबल इफेक्ट है तो वेरी लो रहेगा, इसकी रैंक करेंगे 4। नोटिसेबल इफेक्ट बाय एवरेज कस्टमर्स, मतलब कुछ गिनती के कस्टमर्स को ऑन एन एवरेज जो है उन कस्टमर को वो नोटिस हो सकता है वो इफेक्ट, तो इसको ये माइनर रहेगा, इसको रैंक करेंगे 3। नोटिसेबल इफेक्ट बाय डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब किसी किसी कस्टमर को समझ में आता है वो इफेक्ट, उसके उनके पास जा सकता है तो वेरी माइनर, सो इसकी रैंकिंग 2 रहेगी, और अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो नन करेंगे, लेकिन इसको 0 नहीं रखेंगे, इसकी रैंकिंग 0 नहीं करेंगे, 1 रखेंगे, तो इस तरह से रैंकिंग ऑफ सीवियरिटी कर सकते हैं। अब दूसरा है रैंकिंग ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर, तो देखिए ऑकरेंस फेलियर की ऑकरेंस वेरी हाई होगी, किस केस में, जब फेलियर रेट 1 in 2 हो, मतलब दो पार्ट में से कोई एक पार्ट फेल हो जाए, तो फेलियर लगभग हैपन होके रहेगा, फेलियर इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल, इसकी रैंकिंग करेंगे 10 या 9, 1 in 2 या 1 in 3 हो, ऐसे केसेस में। हाई ऑकरेंसेस होगी जब 1 in 8 या 1 in 20 होगा, तो ये रिपीटेड फेलियर का केस होगा, इसकी रैंकिंग होगी 8 या 7 in 8 होगा तो 8, 1 in 20 होगा तो इसकी रैंकिंग होगी 7। मॉडरेट इफेक्ट होगा, मॉडरेट ऑकरेंसेज है तो 1 in 80 या 1 in 400 या 1 in 2000, सो ओकेजनल फेलियर होगा। 1 in 80 के केस में रैंकिंग 6 होगी, 1 in 400 के केस में 5, 1 in 2000 के केस में रैंकिंग होगी 4। लो ऑकरेंसेज ऑफ फेलियर है तो ऐसे केसेस में रिलेटिवली फ्यू फेलियर्स हैं, इनकी रैंकिंग होगी 1 in 15000, इसकी रैंकिंग होगी 3,
1 in 150,000 इसकी रैंकिंग होगी 2। और रिमोट फेलियर्स केस, रिमोट फेलियर रिमोट ऑकरेंसेज है तो ऐसे केसेस में ये होगा 1 in 1.5 million, मीन्स 15 लाख कह सकते हैं हम इसको। सो फेलियर के चांसेस है कोई एक पार्ट, 15 लाख में से कोई एक पार्ट फेल हो जा रहा है तो फेलियर इज अनलाइकली, तो इसकी रैंकिंग हम 1 रखेंगे। सो इस तरह से हम रैंक कर सकते हैं ऑकरेंसेज ऑफ फेलियर को। अब तीसरी बात आती है कि हम डिटेक्शन कंट्रोल को किस तरह से रैंक करेंगे। जब हमारे पास कोई कंट्रोल अवेलेबल ही नहीं है तो ऐसे केसेस में ये ठीक उलट है, जब हमारे फेलियर्स हाई रहते हैं, ऑकरेंसेज चांसेस हाई रहते हैं तो हम उनकी रैंकिंग हाई रखते हैं, और ऐसे केसेस में जब हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है तब उनकी रैंकिंग हाई रखते हैं, जब डिटेक्शन के केसेस में। ये थोड़ा सा इनवर्स है, नो नोन कंट्रोल्स अवेलेबल है तो रैंकिंग करेंगे, जब हमारा कंट्रोल अवेलेबल ही नहीं है तो 10 करेंगे, वेरी रिमोट चांसेस ऑफ डिटेक्शन है तो 9, रिमोट चांसेस ऑफ डिटेक्शन है तो 8, वेरी लो चांसेस ऑफ डिटेक्शन है तो 7, लो चांसेस ऑफ डिटेक्शन है तो 6, मॉडरेट चांसेस ऑफ डिटेक्शन है 5। मतलब इस तरह के कंट्रोल है जब इंस्पेक्शन कॉन्टिन्यूस लगातार इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, कभी कभी इंस्पेक्शन हो रहा हो, सो कभी कभी इंस्पेक्शन होना शुरू हो गया हो, यहां इस केस में तो इंस्पेक्शन हो ही नहीं रहा ऐसा कह सकते हैं। सो मॉडरेट चांसेस ऑफ डिटेक्शन है तो 5, मॉडरेटली हाई चांसेस ऑफ डिटेक्शन है तो ऐसे केसेस में 4, हाई चांसेस ऑफ डिटेक्शन है जब हम बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं तो 3, वेरी हाई चांसेस ऑफ डिटेक्शन है तो 2, और ऑलमोस्ट सर्टेन है डिटेक्शन तो हम इसको रैंक करेंगे 1। तो इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम एफएमईए को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको मैं फिर एनलार्ज कर देता हूं। यह है एफएमईए फॉर मोटर बाइक ब्रेक शू फंक्शन। ब्रेक शू फंक्शन के लिए, ब्रेक शू के लिए मैंने एक एफएमईए का एग्जांपल है ब्रेक शू के लिए, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या है, सो प्रोडक्ट फंक्शन रिक्वायरमेंट में प्रोडक्ट है ब्रेक शू। इसकी फंक्शन क्या है, टू स्लो डाउन और स्टॉप द मोशन ऑफ मोटर बाइक। सो मोटर बाइक को स्लो डाउन करता है और उसको रोक भी सकता है। तो ये इसका फंक्शनल जो वर्क है वो ये है, फंक्शनल वर्क है इसका, फंक्शन यही है ब्रेक शू का। सो पोटेंशियल फेलियर मोड इसके अंदर क्या है, ब्रेक शू नॉट प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड फ्रिक्शन विद ड्रम। अगर ब्रेक शू ड्रम के साथ फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस ना करे तो ये फेलियर मोड हो सकता है, वहां फेल हो जाए। या जर्क इन ब्रेक पेडल, ब्रेक पेडल के अंदर जर्क आने शुरू हो जाए, तो इस तरह का एक फेलियर आ रहा है तो उसे ब्रेक शू के अंदर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, व्हीकल डैमेज हो सकता है। इसकी सीवियरिटी हाई रखेंगे, देखिए जहां लॉस ऑफ लाइफ है वहां तो सीवियरिटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी, सो 10 रखा है इसकी सीवियरिटी को। सो क्लास आप रख सकते हैं, ये किस क्लास का प्रोडक्शन प्रोडक्ट है उस क्लास में रख सकते हैं इसको। पोटेंशियल कॉजेज और मैकेनिज्म ऑफ फेलियर के अंदर पोटेंशियल कॉजेज क्या है, फ्रिक्शन मटेरियल ऑन द ब्रेक शू। ब्रेक शू का जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो या तो घिस गया हो या कुछ और बात हो उसके अंदर। सो ऑकरेंसेस है, कितनी बार ऐसा हो रहा है वो यहाँ पे 4 रख लिया है। सो ऑकरेंसेस किस तरह से डिसाइड किया हमने, देखिए यहाँ पे 4 रखा हुआ है यहां पर, तो ऑकरेंसेस के लिए कब, 1 in 2000 अगर 4 रखा है यहां पर, और सो मॉडरेट है, ओकेजनल फेलियर है, कभी भी फेल हो सकता है। सो ओकेजनल फेलियर है, किसी भी ओकेजन पर ये फेल हो सकता है, पता नहीं कब फेल होगा पर फेल हो सकता है। सो अगर ये सिचुएशन है ऑकरेंसेस की। सो रस्ट इन ब्रेक पेडल फुलक्रम, और दूसरा कॉज इसका हो सकता है जब हमने जर्क इन ब्रेक पेडल है तो इसके लिए हो सकता है रस्ट इन ब्रेक पेडल फुलक्रम, फुलक्रम के जो अंदर रस्ट लग गया हो, तो ये भी 6 है। ये ओकेजनली, ये भी ओकेजनल फेलियर की कंडीशन में, ओकेजनल जो हैपनिंग की कंडीशन है। अब बात करते हैं करंट कंट्रोल्स हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन टेस्टिंग इज डन बाय अनट्रेन्ड पर्सन। सो फ्रिक्शन मटेरियल की जो फ्रिक्शन टेस्टिंग है वो अनट्रेन्ड पर्सन कोई कर रहा है। सो डिटेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, वो डिटेक्शन में आएगा नहीं, तो 7 इसकी डिटेक्शन रैंकिंग रखी है 7। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन इज डन बाय इंटरमिटेंटली। अब ये रस्ट इन ब्रेक पेडल फुलक्रम में क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन जो है वो कभी कभी हो रही है, तो इसकी वजह से वहां रस्ट लग गया है, लेकिन डिटेक्शन में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी हो रही है, इसलिए ओकेजनली
वो फुल क्रम में रस लगने की वजह से वो प्रेशर नहीं पड़ेगा ब्रेक पेडल के ब्रेक शू के ऊपर और वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो इसके लिए आरपीएम नंबर कितना हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 दिस इज 2280 एंड इन दिस केस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 दिस विल कम एज 300। सो रिकमेंडेड एक्शंस क्या रहेंगे, फ्रिक्शन टेस्टिंग फॉर ब्रेक शू इज डन बाय ट्रेन पर्सन, फ्रिक्शन टेस्टिंग जो है किसी ट्रेन पर्सन या ट्रेन इंजीनियर से करवानी चाहिए और क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड एट रेगुलर इंटरवल, और क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन जो है वीकली या रेगुलर इंटरवल पर होती रहे फुलक्रम के केसेस में तो वहां पर रस्ट नहीं लगेगा। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं सर्विस इंजीनियर को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की हो सकती है जो बाइक ऑनर है उसकी कि वो टाइम टू टाइम उसमें ऑयलिंग और क्लीनिंग करता रहे। सो एक्शंस जो लिए गए हैं, फ्रिक्शन टेस्टिंग ऑफ द ब्रेक शू इज मैंडेटरी बाय सर्विस इंजीनियर फॉर एवरी मोटर बाइक, हर मोटर बाइक का वो फ्रिक्शन टेस्टिंग करे वहां पर जब भी सर्विस के लिए बाइक आएगी तो सिवियरिटी इसकी सेम रहेगी और ओनर के लिए गाइडलाइन दी जानी चाहिए कि वो रेगुलर इंटरवल पर उसकी क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन करता रहे और उसको टेस्ट करता है जब भी वो राइड करे, राइड करने से पहले उसे टेस्ट कर ले अपने ब्रेक पेडल को कि उसमें क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन प्रॉपरली हो रखा है या नहीं हो रखा है उनको चेक करे। तो देखिए सिवियरिटी हमारी हाई रहेगी अगर ब्रेक शू फेल हो जाएंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सिवियरिटी हाई रहेगी और अगर फ्रिक्शन मटेरियल बिल्कुल घिस गया है तो उसको चेंज भी करना चाहिए तो सिवियरिटी हाई रहेगी। सो लेकिन ऑकरेंसेज जो है ऐसे केसेस में 2 हो जाए, ऑकरेंसेज की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये ना के बराबर चांसेस है ऑकरेंस ऑकर होने के। और डिटेक्शन वैल्यू देखिए इसकी, अब डिटेक्शन कंट्रोल अवेलेबल है कि जब सर्विस इंजीनियर होगा वहां पे डिटेक्ट करने के लिए ब्रेक शू को तो उसके डिटेक्शन में आ जाएगा कि फ्रिक्शन मटेरियल जो है वो घिस गया है या नहीं घिस गया, उसको चेक करने के लिए। तो ऐसे केसेस में आरपीएम वैल्यू दोबारा कैलकुलेट की तो कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 दिस विल कम एज 20। और ऐसे ही इस केसेस में जब ब्रेक पेडल को भी रेगुलर इंटरवल पर ऑनर जो है चेक करता रहेगा तो उस केसेस में ऑकरेंसेस होने के ऑकरेंस फेलियर ऑकर होने के चांसेस वो कम हो जाएंगे और डिटेक्शन में वो बिल्कुल डेफिनेटली वो डिटेक्शन में आ जाएगा। तो इस केसेस में भी आरपीएन वैल्यू 20 हो गई। तो इस तरह से आरपीएन वैल्यू को 20 कर दिया गया, 20 आ गई नोट कर दिया गया, 20 हो गई कैलकुलेट करने पे। तो इसका मतलब जो एक्शन हमने लिए हैं वो प्रॉपर एक्शन है और इस तरह से रिस्क जो है उनको हमने मिनिमाइज कर दिया है। सो इस तरह से एफएमईए डॉक्यूमेंट काम करता है कि पहले क्या आरपीएन वैल्यू आ रही थी 280 थी और 300 थी जब कॉजेस के हिसाब से और डिटेक्शन के हिसाब से सिवियरिटी हाई थी 10 थी, सिवियरिटी इस केस में भी हाई है लेकिन ऑकरेंसेस और डिटेक्शन जो है उनकी रैंकिंग लो हो गई है तो उसकी वजह से आरपीएन वैल्यू भी घट गई है। तो इस तरह से आप एफएमईए को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एफएमईए डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेगुलरली एफएमईए का यूज करके रिस्क एनालिसिस किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनालाइजिंग द आरपीएन वैल्यू, आरपीएन वैल्यू को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास 3 अलग अलग केसेस हैं और तीनों अलग अलग केसेस में आरपीएन वैल्यू आपकी सेम आ रही है जैसे इस केस में है। सपोज कीजिए आपकी बाइक के ब्रेक भी फेल हो गए, ब्रेक में भी कुछ फेलियर प्रोड्यूस हो रहा है और सपोज कीजिए कि आपकी हेडलाइट में भी फेलियर आ रहा है और हॉर्न में भी फेलियर आ रहा है तो आप किस तरह से किस काम को प्रायोरिटाइज करेंगे आरपीएन नंबर के बेसिस पर, किसको पहले प्रायोरिटाइज करें, किसे हमें ठीक करवाना चाहिए पहले। तो आप देखिए सबसे पहले आप सिवियरिटी को कंसीडर करेंगे। सो ये जो आरपीएन नंबर के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यूज होती है सिवियरिटी ऑकरेंस एंड डिटेक्शन इसके हिसाब से सबसे पहले कंसिडरेशन किया जाएगा सिवियरिटी का। सो सिवियरिटी देखिए फेलियर ऑफ ब्रेक है तो इसके इफेक्ट जो है डेडली इफेक्ट होंगे तो ये सबसे हाई है तो सबसे पहले सिवियरिटी के साथ इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों केसेस सेम हो जैसे कि फेलियर ऑफ हेडलाइट और फेलियर ऑफ हॉर्न तो यहां पर देखिए सिवियरिटी 8 और 8 दोनों की वेरी सीरियस है। लेकिन अब किसको देखेंगे, अब हमें देखना पड़ेगा ऑकरेंसिस को कि ऑकरेंसिस किसकी आई है, फेलियर ऑफ हेडलाइट फेलियर इसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनमें हैपन ज्यादा हो रहे हैं फेलियर। तो ऐसे किस में जबकि रिलेटिवली फ्यू फेलियर है, हॉर्न जो है कभी कभी फेल होता है ग्लो होने में। तो इन दोनों इन
इन सब के केसेस में जब आरपीए नंबर सेम हो तो सबसे पहले कंसिडरेशन किया जाएगा सीवियरिटी का, उसके बाद ऑकरेंसेस का, और उसके बाद डिटेक्शन का। तो ये हमारे इस तरह से हम आरपीए नंबर को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था आपका एफएमईए। एफएमईए क्या है, किस तरह से आप एफएमईए इवॉल्व हुआ, किस तरह से एफएमईए डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, एफएमईए डॉक्यूमेंट स्टेजेस क्या है एफएमईए की, और एफएमईए का एग्जांपल, और आरपीए नंबर को आरपीएन नंबर जो आरपीएन वैल्यू है उसको किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो अगर ये वीडियो और एफएमईए आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है एफएमईए को लेकर के, सो प्लीज डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे मेरे साथ शेयर करें। और शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो यूट्यूब शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोर्स नोट्स, ई बुक्स, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर और वेब लर्निंग के लिए आप मेरी वेबसाइट shakehandwithlife.in पर विजिट कर सकते हैं और वहां से कोर्स नोट्स, ई बुक्स, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जल्दी ही मैं दोबारा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपको मिलूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।